अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कुकनोलॉजी और एक नई डिश के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, आधा किलो मेरे पास भिंडी है जो मैंने अच्छे तरीके से धो ली है और काट लिया है, और इसको फ्राई करूंगी। और दो बड़ी साइज़ के प्याज काट के वो भी साथ ही हम इसके फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुकी है भिंडी, देखें लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। फ्राई भिंडी निकाल के पैन खाली कर लिया है। 1/4 कप ऑयल ऐड किया, इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई। थोड़ा सा फ्राई किया इसे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाले। 3 चाय के चम्मच सुर्ख में, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1.5 चाय के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अच्छे तरीके से भून के मसाला तैयार किया। तीन खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड किया और दोबारा अच्छे तरीके से भुनाई की। भिंडी और प्याज जो फ्राई किए थे ऐड किए। 4 अदद हरी मिर्चें काट के ऐड की। 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया और कवर करके 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया। माशाल्लाह, देखें कैसी ज़बरदस्त भिंडी तैयार हो गई है। इस तरीके से भिंडी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, मैं थोड़ा कम डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।